और संजय अरोड़ा दिल्ली के नए कमिश्नर होंगे। बता दें राकेश अस्थाना की जगह लेंगे संजय अरोड़ा। जानकारी देते हैं कि संजय अरोड़ा 1988 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। बता दें संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। तमिलनाडु कैडर से आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। अरोड़ा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल संजय अरोड़ा आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। संजय अरोड़ा ने 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीपी की बटालियन की कमान संभाली थी। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। राकेश अस्थाना की जगह लेंगे संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। फिलहाल आईटीबीपी के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। अफशा खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अफशा आपसे जानेंगे राकेश अस्थाना की जगह संजय अरोड़ा लेने जा रहे हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर एक बड़ी जो है दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें राकेश अस्थाना दिल्ली के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर, यदि पूर्व की इस समय बात की जाएगी क्योंकि 1 तारीख से जो है आने वाले 1 अगस्त से इस समय पर दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के लिए तमिलनाडु कैडर संजय अरोड़ा को नियुक्ति दे दी गई है, जिसमें कि बीते अब आने वाले 1 अगस्त को संजय अरोड़ा 1988 बैच के संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर के पद को बहुत जल्दी संभालेंगे। जी ठीक है, और किस तरह के, अगर हम उनके बैकग्राउंड को लेकर जाने, उनके काम को लेकर जाने, कैसे कंपैरिजन हम देख सकते हैं राकेश अस्थाना और संजय अरोड़ा के बीच में? देखिए कुमार, जिस प्रकार से संजय अरोड़ा की यदि बात की जाए तो 1988 बैच के संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर हैं। संजय अरोड़ा एक मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी जयपुर की यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं ये। और आईपीएस में शामिल होने के बाद तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न पदों की यदि बात की जाए तो स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा पुलिस अधीक्षक एसपी थे, जहां इन्होंने वीरप्पन गिरोह के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की थी। और 1991 की यदि बात की जाए तो संजय अरोड़ा एनएसजी द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद वित्तीय गतिविधि के सुनहरे दिनों के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए थे। जी चलिए अफशा, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।